वेलकम टू माय फूड चैनल फूड विद रूमी। आज की हमारी रेसिपी है गुड़ के चावल। हमें इसे आधा नारियल चाहिए, इसका हमें क्रश करके इसका मिल्क निकालना है। फिर गुड़ 300 ग्राम्स और 250 ग्राम राइस, कोलम चावल है ये। 5 इलायची, फूड कलर ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। फिर किशमिश और काजू आपके हिसाब से लीजिए, और एक दालचीनी का टुकड़ा। सौ ग्राम घी, 250 ग्राम जो चावल है हमें इसे धोकर पानी में सोक करना है 1 घंटे के लिए। ये कोलम चावल है। अभी एक बर्तन में 100 ग्राम घी डालिए, मीडियम फ्लेम रखना और इसे पिघा लें। जब घी पूरा पिघल जाए तो 5 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालें, थोड़ा उबालें और फ्लेम ऑफ कर दीजिए। फ्लेम ऑफ करके मैंने इसमें 1 गिलास नारियल का दूध डाला है। जो नारियल मैंने आपको आधा बताई थी उससे मैंने 2 गिलास नारियल का दूध निकाली हो। इसमें पहले मैंने 1 गिलास डाल दी और फ्लेम ऑफ ही है अभी तक। इसके बाद फूड कलर डालें, ऑप्शनल है, थोड़ा ही डालना है। फिर आपको फ्लेम ऑन करना है मीडियम। मिक्स करें इसे अच्छे से। फिर मैंने बचा 1 गिलास नारियल का दूध वापस डाल दी इसके अंदर। 2 गिलास मैंने नारियल का दूध निकाली थी। फिर मिक्स करें, फिर थोड़ा सा नमक डालें ज़रा सा, फिर मिक्स करें, उबाल आने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो आपके चावल इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आपको इसे पकाना है, उबाल आना है जब तक नारियल का दूध चावल में कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं होता तब तक। इस टाइम तक आपका चावल पूरा पक जाना चाहिए। यहाँ जो मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया था इसे मैंने पिघाल के छान ली अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं। इसे अच्छे से छाने। अगर आपके चावल पके नहीं हैं तो आप पानी डाल के भी थोड़ा पका सकते हैं। उसके बाद ये गुड़ का पाक आप इसे ऊपर से डालें चावल में, पके हुए चावल में, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए मीडियम फ्लेम ही है। फिर मैंने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाली हूँ और 1 टेबलस्पून गुलाब पानी। फिर आप इसमें काजू और किशमिश ऊपर से डालें और मिक्स कीजिए और इसे अच्छे से उबालें। जब आपको उबाल दिखें तो आप फ्लेम लो करके इस पर दम का पत्रा डाल के ऊपर से बर्तन आप कवर करें। इसे दम पे देना है हमें कम से कम 20 से 25 मिनट। के बाद आपको इसे खोल कर फ्लेम ऑफ करके चावल को ऊपर नीचे करना है। आपकी गुड़ के चावल रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। धन्यवाद।